दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा पे और आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो है एलेवेंथ साइंस का से, सेट सेट चैप्टर का और वो भी एक्सरसाइज 1.5 सो so, 1.5 के लिए एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो पहले हम लोग करेंगे सो so, इसमें सीखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स और उसका कुछ लॉज हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ़ द सेट के लिए सो so कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने बोला यू इज अ यूनिवर्सल सेट इसमें वन टू थ्री फोर फाइव है और कोई सेट ए है ए इज वन एंड टू इट सेल्फ सो ए कॉम्प्लीमेंट बोला बोलेंगे सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो ऐसे एलिमेंट्स जो यू में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है सो so क्या लिखेंगे कौन कौन से हैं थ्री फोर एंड फाइव सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज दिस यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो रिटर्न एज यू माइनस ए तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट का तो एक यू यूनिवर्सल सेट है और एज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है देन दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड उसको डिनोट कैसे करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से ए डैश चलिए आगे लिख लेते हैं सिम्बोलिकली ए कॉम्प्लीमेंट से इसको डिनोट करते हैं दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट जो है यू को बिलोंग करता रहेगा एक्स एलिमेंट बट वो ए को बिलोंग नहीं करता रहेगा So, देखिए इसमें क्या हर एक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं बट ए को बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप ध्यान में रखना सो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए सो सब लिख चुके हैं अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कुछ खासियत है अगर मैंने बोला इज सबसेट ऑफ यू देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ यू आपको यह ध्यान में रखनी है अगर ए यू का सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा यू का सबसेट होगा सो so, वही लिखा हुआ है ए ए इज इज सबसेट सबसेट ऑफ ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट सेट देन कॉम्प्लीमेंट आप ध्यान में रखना चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसके साथ में इसका यूनियन बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा पूरा टोटल एड हो जाएगा टोटल तो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट बनेगा सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यू एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन बनाए तो कोई भी कॉमन नहीं है तो फाइव सेट आता है सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज फाइव सेट तो आप ध्यान में रखना ए यूनियन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जब निकालेंगे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट से इक्वल होगा और जब भी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स दिस और जब भी, भी हम लोग ए इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमेशा फाइव सेट से इक्वल होगा तो अब ध्यान में रखना ये बात दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ नेक्स्ट वाले पे जाते हैं डी मोर्गेंस लॉ में डी मोर्गेंस लॉ में क्या है ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो है इंटरसेक्शन में चला जाता है बदल जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह चला जाता है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही अगर ये यूनियन है इंटरसेक्शन होता तो वापस से ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा सो ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सिंपल अब ये डी मोर्गन लॉ होने के बाद में लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अभी देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकाला अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में थ्री फोर फाइव है वन टू नहीं है सो so ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में सो so इसका मतलब क्या है ये जो वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए से इक्वल आ रहा so so है सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए सो दिस इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट सो एम टी सेट का इंटर जो अगर हम लोग ने एम टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो यूनिवर्सल सेट से इक्वल होता है और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया हमने तो वो एम टी सेट से इक्वल होता है तो आप ध्यान में रखना ये ये हो गया आपका डिस्कशन बेसिक्स फॉर द एक्सरसाइज 1.5 1.5 की तरफ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे ऐसा है यू दिया हुआ है यू इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन उसके बाद में ए ए इज वन टू थ्री एंड फोर देन बी इज टू फोर सिक्स एंड एट ये सब दिया हुआ है एंड सी भी दिया हुआ है सी भी लिख लेते हैं दैट इज थ्री फोर फाइव सिक्स ये मिलने के बाद में फर्स्ट पॉइंट में पूछा वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट सो प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो विच आर द एलिमेंट्स फोर तक तो प्रेजेंट है फोर तक ए में प्रेजेंट है बट कौन कौन सा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सब आएगा फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट दूसरा जो चाहिए हमको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए सो प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी दे आर बी कॉम्प्लीमेंट सो अब देखिए वन नहीं है टू है टू uh, बी में है तो टू नहीं आएगा वन नहीं है तो वन लिख दिया फिर थ्री थ्री नहीं है तो थ्री लिख देंगे फोर फोर तो है बी में तो फोर नहीं लिखेंगे फाइव फाइव भी नहीं है तो फाइव लिख दिया सिक्स है सेवन नहीं है एट है नाइन नहीं है सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी सो दिस आर बी कॉम्प्लीमेंट अब थर्ड पॉइंट में क्या चाहिए हमको सो so पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन सी सो वाट इज़ ए यूनियन सी ए और सी तीनों दोनों का मिला के सो वन टू थ्री

ए यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है सो so वो इंटर कॉम्प्लीमेंट uh, में आएंगे सो ए यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू सेवन एट एंड नाइन उसके बाद में फोर्थ में क्या चाहिए हमको ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट सो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे सो वॉट इज़ ए यूनियन बी सो प्रेजेंट इन ए एंड प्रेजेंट इन बी सो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अब देखिए टू फोर तो लिख चुके हैं सिक्स एंड एट सो सिक्स एंड एट ऑल्सो सो अब अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सो so इसका मतलब प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए यूनियन बी सो वन टू थ्री फोर तक तो प्रेजेंट है फाइव प्रेजेंट नहीं है ए यूनियन बी में सो so फाइव आ जाएगा सिक्स है ए यूनियन बी में ये सिक्स जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का ए यूनियन बी में तो वो नहीं लिख सकते हैं सेवन वाला नहीं है तो सेवन लिख देंगे एट वाला एट वाला जो है एट है एलिमेंट सो so वो नहीं लिख पाएंगे नाइन वाला जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा सो ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए दिस यू बट नॉट इन ए यूनियन बी सो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट फिफ्थ वाले में चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट सो पहले हम लोग फिफ्थ वाले का ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सो प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए दैट इज फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं हम लोग देखिए फर्स्ट पॉइंट में ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो so, डायरेक्टली अब उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं सो ए कॉम्प्लीमेंट का

फिर उसके बाद में सिक्स पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे बी माइनस सी निकालना है पहले उसका फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे सो बी माइनस सी में मीन्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी अब टू जो है बी में है सी में नहीं है तो टू आ जाएगा इसमें उसके बाद में फोर uh, जो है दोनों में है बी में है वो सी में भी है तो वो नहीं लिख पाएंगे सिक्स जो है वो बी uh, में भी है सी में भी है एट जो है बी में है सी में नहीं है तो वो बी माइनस सी में आएगा सो बी माइनस सी मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी सो दिस इज बी माइनस सी नाउ बी माइनस सी द होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट यू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी माइनस सी सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी माइनस सी दैट इज वन टू है थ्री नहीं है फोर नहीं है फाइव नहीं है सिक्स नहीं है सेवन नहीं है एट है फिर नाइन नहीं है सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस दिस यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी माइनस सी सो इट विल गिव यू वॉट ए बी माइनस सी द होल कॉम्प्लीमेंट सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यू दिया हुआ है दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यू यूनिवर्सल सेट अब ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है सी दिया है एंड डी दिया है देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए ए में ए बी सी है सो कौन सा एलिमेंट्स आएगा ए ए बी सी को छोड़ के सो ए बी सी छोड़ के क्या बचा डी ई एफ जी एंड एच सो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट सेकेंड पॉइंट में बी कॉम्प्लीमेंट सो प्रेजेंट इन बी यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी सो विच आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन बी सो बी में है हमारे पास डी ई एफ जी सो डी ई एफ जी को छोड़ के ये सब को छोड़ के क्या बचा ए बी सी एंड एच सो ए बी सी एंड एच डी ई एफ जी को छोड़ के सो डी ई एफ जी को छोड़ के ए बी सी एंड एच सो दिस इज़ बी कॉम्प्लीमेंट थर्ड पॉइंट में क्या निकालना है हम लोग को सी कॉम्प्लीमेंट सो प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सी सो विच आर द एलिमेंट्स ए है सी में तो ए नहीं लिख पाएंगे बी नहीं है तो बी लिखना पड़ेगा सी यूनिवर्सल सेट में है सी में भी है तो वो नहीं लिख सकते डी जो है यूनिवर्सल सेट में है बट सी में नहीं है तो डी लिख लिख सकेंगे E जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी है और सी में भी है तो वो नहीं लिख पाएंगे एफ नहीं है तो एफ लिख देते हैं जी है एच नहीं है सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सी अब फोर्थ पॉइंट में डी का कॉम्प्लीमेंट ये आपके लिए होमवर्क है सो प्रेजेंट इन यू बट यू बट नॉट इन डी सो वो एलिमेंट डी कॉम्प्लीमेंट में आप लिखना और जरूर आपको कमेंट सेक्शन में आप बताना सो so अब तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप जरूर लाइक कर देना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट सो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको नेचुरल नंबर का देन यू हैव टू राइट ऑन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं सेट्स के सो so, फर्स्ट वाला में इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर अब देखिए सो ए कॉम्प्लीमेंट जो आएगा सो so, अब नेचुरल नंबर्स में इवन नेचुरल नंबर भी रहते हैं और ऑड भी रहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या है ए में इवन नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा ऑड नेचुरल नंबर सो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर बस काम खत्म सो so, क्या है ए uh, में क्या था इवन नेचुरल नंबर्स थे और हमारे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का uh, है सो so, उसमें ऑड नेचुरल नंबर उसका वो बाकी रहे, रहेगा अगर नेचुरल इवन को छोड़ दिया जाए तो so उसका बाकी सब क्या रहेगा ऑड नेचुरल नंबर रहेगा तो वो हमको कॉम्प्लीमेंट में आएगा सो दीज आर नेचुरल नंबर सो लेट्स क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स आज ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा अगर यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर ऑब्वियसली ऑड नेचुरल नंबर को छोड़ के नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर होगा तो बस लिख दो आप कॉम्प्लीमेंट में एक एक्स दैट इज इवन नेचुरल नंबर्स बस काम खत्म ये हो गया सेकेंड वाला थर्ड वाले में सच दैट इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री सी एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री सो अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो मल्टीपल ऑफ थ्री को छोड़ के जो बच जाता है सो नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री सो एक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल नंबर नॉन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री एक्स इज नैचुरल नंबर नेचुरल नंबर नॉन मल्टीपल सो so, अगर हमारे पास सीज सी जो है मल्टीपल ऑफ थ्री पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री जो दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा नॉन मल्टीपल्स ऑफ थ्री एंड यू इज यूनिवर्सल सेट में नैचुरल नंबर है सो नेचुरल नंबर नॉन मल्टीपल ऑफ थ्री विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी सो अब देखिए फोर्थ वाले में अब फोर्थ वाला में क्या बोला है ऑल प्राइम नंबर्स सो लिख देते हैं फोर्थ वाले में

एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज नैचुरल नंबर बाई थ्री एंड फाइव सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा नॉन डिविजिबल बाई थ्री एंड फाइव सिंपल तो ये आप एक होमवर्क लिख के और आंसर में बताना मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखिए वापस हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है सो सिक्स क्वेश्चन में जा, जाते हैं हम लोग चलिए सेम क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सबके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं सो फोर्थ पॉइंट में सिक्स वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं डी के बाद ई e, ई e में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर अब देखिए अगर मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ये ई e में है हमको पता है यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सो एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्स सच दैट एक्स इज नेचुर नंबर नेचुरल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बस काम खत्म वैसे ही सेवेंथ जो क्वेश्चन है एफ वाला वो एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट क्यूब परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर सो परफेक्ट क्यूब नंबर को छोड़ के नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर एक्स सच दैट अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सो एक्स इज नॉन नॉन परफेक्ट क्यूब नेचुरल नंबर बस काम खत्म उसका उल्टा लिख देना है अब देखिए अगर मैंने एट्थ वाला देखा इसमें x सच दैट x प्लस फाइव इक्वल्स टू एट सो इसमें आ, जी वाला जो आ, ये है तो इसमें क्या आएगा एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू एट सो एक्स विल भीवल टू एट माइनस फाइव एन दट इसमें थ्री है सो so, थ्री को छोड़ के जी कॉम्प्लीमेंट अगर बोला सो नेचुरल नंबर माइनस सेट ऑफ थ्री सिंपल अब देखिए अगर ये होने के बाद में नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं एच जो सेट है एक्स सच दैट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू नाइन सो इसमें क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू नाइन सो टू एक्स विल भी इक्वल्स टू नाइन माइनस फाइव सो टू एक्स विल भी इक्वल्स टू फोर सो एक्स विल भी इक्वल्स टू टू सो एच में क्या आ जाएगा टू आ जाएगा सो so एच अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सो प्रजेंट इन अगर हम लोग एच कॉम्प्लीमेंट निकालना है सो एलिमेंट्स प्रजेंट इन यू बट नॉट इन एच सो so, कौन सा खाली एच में टू प्रेजेंट है तो ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट टू सो एच कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो नेचुरल नंबर माइनस ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट टू बस सिंपल काम खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेंथ वाला आई uh, में आई इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नैचुरल सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन सो ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन सो मतलब सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन ये सारे नेचुरल नंबर्स सो ये आई हो गया सो so, आई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इनको छोड़ के सो so, मतलब सिक्स तक सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स है ना सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट अगर आई में सिक्स सेवन से सब बड़ा नंबर सेवन और सेवन से बड़ा नंबर तो उसके पहले numbers, वाला नंबर जो रहेगा नेचुरल नंबर्स विल बी आई कॉम्प्लीमेंट अब लेवेंथ वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और बताना है चलिए वैसा सेम है सो so, आपको ये क्वेश्चन को होमवर्क करके बताना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है यू दिया हुआ है यू इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो दिस इज यू ए भी दिया हुआ है टू फोर सिक्स एंड एट बी भी दिया हुआ है टू थ्री फाइव एंड सेवन सो हमको क्या निकालना है फर्स्ट पॉइंट में ए ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब डी मॉर्गन्स लॉ को इधर वेरीफाई करनी है सो so, पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा सो प्रेजेंट इन ए

प्रजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए यूनियन बी सो वन नहीं है तो वन आएगा नाइन नहीं है तो नाइन आ जाएगा बाकी सब एलिमेंट्स उसके हैं ए यूनियन बी में तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अब वो किससे इक्वल प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए सो विच आर द एलिमेंट्स वन टू है थ्री नहीं है फोर है फाइव नहीं है सिक्स है सेवन नहीं है एट है नाइन नहीं है तो दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन बी सो कौन कौन सा एलिमेंट है बी में ए दिस कौन कौन सा एलिमेंट यू का बी में प्रेजेंट नहीं है कौन कौन सा है देखते हैं वन नहीं है तो वन आएगा टू uh, है थ्री है फाइव है फोर नहीं है फाइव है सिक्स नहीं है सेवन है एट नहीं है नाइन नहीं है

वन एंड टू क्या मिला दोनों सेम्स इक्वल सेट है कि नहीं इसका मतलब ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही हम लोग सेकेंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं अब देखिए सेकेंड वाला अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे सो so, सेकेंड वाला जो है वो हमको क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन बी पहले चाहिए ताकि उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकें सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी विच आर द कॉमन एलिमेंट्स देखिए टू है सो टू लिख देते हैं उसके बाद में कोई है क्या फोर नहीं है नहीं और कोई नहीं है सो सिर्फ टू है सो so अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी सो वन टू टू है थ्री नहीं है फोर नहीं है फाइव नहीं है सिक्स नहीं है सेवन नहीं है एट नहीं है नाइन नहीं है सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन मतलब एल मिल गया आर में क्या चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सो हमको पता है ए कॉम्प्लीमेंट अगर बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा वो निकाल के रख चुके हैं तो डायरेक्टली हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं सो प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट सो कौन सा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो अब दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस ऑल आर इक्वल मीन्स दिस आर इक्वल सेट्स फ्रॉम वन एंड टू दिस ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट काम खत्म है ना? बहुत सिंपल सा था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए क्वेश्चन पे आते हैं ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम अब वेन डायग्राम बनानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सो वेन डायग्राम फर्स्ट के लिए ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अगर बोला फर्स्ट वाला ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट सो पहले ए बनाएंगे फिर बी बनाएंगे फिर अब इसको यूनिवर्सल सेट बनाएंगे एक दिस इज ए ना कलर अलग कर देते हैं इसको दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज यू यूनिवर्सल सेट This is अब क्या बोला है उसने की ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज टोटल इज ए यूनियन बी येड करता हूं ब्लू कलर से चलिए सो दिस इज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट दिस पार्ट इज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अब ये जो पार्ट मिला हमको क्या मिला दिस इज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट सो मतलब दिस इज दिस वॉज ए यूनियन बी ये जो टोटल था दिस टोटल वॉज ए यूनियन बी दिस इज ए इंटरसेक्शन बी दिस टोटल वॉज ए यूनियन बी जो नॉन शेडेड पार्ट है दिस इज ए एनियन बी एंड जो शेड किया हमने इसको दिस इज ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट दिस टोटल पार्ट इज़ ए यूनियन बी अंदर वाला अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अरे अगर हमने अभी अभी डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा अभी अभी हमने डी ड्यूम लॉ पढ़ा कि ए कॉम्प ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने निकालना है तो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेम डाइग्राम है ना सो so, डायग्राम तो सेम आएगा सो फर्स्ट एंड सेकेंड का सेम है अब थर्ड वाले का देख लेते हैं हम लोग थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड में क्या है ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट सो ए इंटरसेक्शन बी तो पहले ये ए बनाया ये B बनाया नाउ दिस इज दिस इज वॉट दिस इज यूनिवर्सल सेट U दिस uh, इज A दिस इज पार्ट A एंड दिस इज B दिस इज वॉट A इंटरसेक्शन B इसको क्या बोलते हैं A इंटरसेक्शन B अब इसको छोड़ के इसको छोड़ के बाकी सब जो बच गया आप उसको ड्रॉ कर लें सो so, बाकी सब क्या क्या बच गया ये सब बच गया है कौन सा छोड़ना है सिर्फ जो कॉमन पार्ट है है ना सो so, जो कॉमन पार्ट बचा हुआ है दैट इज ए यूनि दिस इज दैट इज ए इंटरसेक्शन बी और उसको छोड़ के जो बच गया हमारा दिस विल बी जो कलर किया हमने वो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी अभी जो हमने कलर किया पार्ट पूरा इसको छोड़ के जो पार्ट बचा है इंटरसेक्शन वाला पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट है दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अब फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सो इट इज इक्वल्स टू डी बीमॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट मतलब फिर से यही आने वाला है हमारा है ना सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज सेम एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इज सेम सो आप डायग्राम देख लें बहुत सिंपल सा था नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग देखिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं बोला है यू इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन यूनिवर्सल सेट जो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन और ये जो ए सेट है सेट इज़ अ ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी एटलीस्ट सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स सेट ऑफ ट्राइंगल्स एट लीस्ट वन एंगल एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट डिफरेंट फ्राम सिक्सटी फ्राम सिक्सटी इसका मतलब है क्या होगा डिफरेंट फ्रॉम सिक्सटी मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ही नहीं मतलब सब ट्राइंगल्स होगा बट इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ के सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल सेट इसका उल्टा इसमें सब ट्राइंगल है बट इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है सो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा सो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बस काम खत्म सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल था नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू सो आप देखिए कैसे ट्रू बनाएं फर्स्ट क्वेश्चन इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है जो सही है वो लिखना है सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अब अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में निकालेंगे तो क्या मिलेगा यूनिवर्सल सेट मिलेगा पढ़ा था हमने सेकेंड पॉइंट में देखिए फाइ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए अगर फाइव कॉम्प्लीमेंट बोला तो यूनिवर्सल सेट है सो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ ए विल बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट मतलब उसके अंदर ए आएगा सो so कॉमन क्या हो जाएगा ए सिंपल अब देखिए मतलब ये यू आ रहा है ये ए आ रहा है नेक्स्ट वाला थर्ड पॉइंट में जाते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट देखा तो इंटरसेक्शन हम हमने पढ़ा था कि ये फाइव सेट आने वाला है ये ए है ये बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट है कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं तो फिर इट इज गोइंग टू बी फाइव सेट ये थर्ड क्वेश्चन हो गया फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज फाइव इंटरसेक्शन विथ ए सो फाइव और ए में कॉमन क्या होगा फाइव सेट ही होगा सिंपल सो ये हो गया हमारा वैल्यू सिंपल था बहुत मजेदार था तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है आज के लिए बस इतना ही होप करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड अलविदा